क्लासिक बेसिक शेडिंग टेक्निक। इस वीडियो में मैं शेडिंग के ऊपर ही बात करने वाला हूँ और हमने बहुत सारी सिंपल ड्राइंग बना ली। अब हम थोड़ी ड्राइंग शेडिंग के ऊपर बनाने वाले हैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको कौन सी शेडिंग टेक्निक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए एज अ बिगनर। और इस वीडियो को मैं एपिसोड में बनाने वाला हूँ, जैसे कि #1। तो ये आपके लिए सिंपल रहेगा कि सबसे पहला एपिसोड क्या था हमारी शेडिंग ड्राइंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से फ्रेंड्स। अब हमारी सबसे पहली वाली बेसिक टेक्निक होने वाली है टोनल। टोनल को हम सिंपल शेडिंग भी कहते हैं। ये सिंपल होती हैं, हम जो नॉर्मल शेडिंग करते हैं उसे ही हम टोनल कहते हैं। अगर आपको ये शेडिंग आती है तो आप बहुत और भी शेडिंग अच्छे से कर पाओगे। ये सबसे बेसिक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यही सबसे पहले सीखनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड हम टोनल में करते हैं क्या है, सिंपली जैसे हम शेड करते हैं हम वैसे ही इसमें भी शेड करते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल शेडिंग की तरह है बस। ये फ्रेंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी शेडिंग करते हो तो आपकी जो शेडिंग है उसे आप टाइम दो, या फिर आप कोई भी स्केच बनाओ, फ्लावर पॉट कुछ भी बनाओ आप, तो उसमें आप टाइम दो अपना पूरा। और जब भी आप शेडिंग करो तो इसे बहुत स्लोली स्लोली करो, क्योंकि अगर आप शेडिंग तेज़ करोगे तो वो बिगड़ जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको शेडिंग करनी है तो आपको पूरा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शेडिंग 2 मिनट का काम नहीं है, 3 मिनट का काम नहीं है, इसमें घंटों लग जाते हैं। और किसी किसी को 20 घंटे, 10 घंटे, ऐसे ऐसे, वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। आपको अगर अपनी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक बनानी है तो आपको उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपनी ड्राइंग को ज़्यादा देर नहीं, या आप अपनी ड्राइंग को टाइम नहीं दोगे ज़्यादा, तो आपकी जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो, चाहे वो फ्लावर हो, पॉट हो, इंसान हो, जानवर हो, वो रियलिस्टिक नहीं लग पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप शेडिंग करो तो बहुत धीरे धीरे करो, और जो शेडिंग है आपकी आप उसे पूरा टाइम दो। आप जो भी बना रहे हो स्केच में आप उसे पूरा टाइम दो, जिससे आपकी ड्राइंग बिगड़े ना, और आप पेशेंस रखो अपने अंदर। और फ्रेंड मेरे एक बॉक्स में जो मैंने शेडिंग किया टोनल, उसमें मैंने लाइट शेडिंग किया। अब मेरी जो नेक्स्ट होगी, मेरा जो नेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं डार्क शेडिंग करूँगा। तो हमारी ये पहली जो बेसिक टेक्निक थी हमारी टोनल, ये कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड अगर आपको ये, मैं दोबारा बता दूँ कि अगर आपको ये अच्छे से आती है टोनल शेडिंग, सिंपल शेडिंग, ये दोनों टोनल और सिंपल शेडिंग एक ही है, पर ये भी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप हर कोई शेडिंग कर पाओगे। जो मैं आपको बताऊँगा वो भी आप पहले ये सीखोगे तब आप वहाँ पहुँच पाओगे। ये बहुत इजी है अगर आपको शेडिंग सीखनी है तो। तो फ्रेंड्स हमारी पहली जो शेडिंग थी वो हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। तो अब हम नेक्स्ट पे आएंगे जो है हमारी स्मजिंग। स्मजिंग को हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं। ये ज़्यादातर स्किन टेक्सचर्स बनाने में यूज़ होती है, क्योंकि ये ब्लेंडिंग स्मूथ कर देती है हमारी ड्राइंग को। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले मैं टोनल की तरह ही सिंपल शेड यहाँ पे करूँगा। मैं डार्क से लाइट तक करूँगा एक बॉक्स में, और दूसरे में डार्क करूँगा। डार्क में वैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ब्लेंडिंग की, क्योंकि जो डार्क है वो फिर हमारा ब्लेंडिंग स्टम पूरा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड जी जो मेरा लाइट वाला बॉक्स था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगा। ज़्यादा सही आपके लिए ये रहेगा कि आप ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड करें या ब्रश से ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप फिंगर से ब्लेंड करेंगे इसे तो आपका हाथ भी गंदा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से वो ब्लेंड भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए आप ये कितना स्मूथ लग रहा है। फ्रेंड मैं ब्लेंडिंग स्टम की भी वीडियो बना दूंगा, हाउ टू मेक ब्लेंडिंग स्टम, घर पे बहुत इजी स्टेप से वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड अब सपोज करिए कि आपने अच्छे से बना लिया अपनी ब्लेंडिंग में, कोई भी शेडिंग में आप स्केच बना रहे हैं, आप नोज़ वाला पार्ट है और आपने ऐसी ब्लेंडिंग कर ली उस जगह पे, तो वहाँ पे आपको मिटाना है, थोड़ी सी गलती हो गई आपकी। तो वहाँ अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये सिंपल रेज़र है, अगर मैं आप इससे मिटाऊँगा तो आपने देखा ये मेरा बहुत सारा एरिया एक ही बार में मिट गया ये।
तो इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक कैनिड रेज़र और दूसरी टोंगोमोनो रेज़र। टोंगोमोनो रेज़र आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगी, और जो कैनिड रेज़र है वो भी उस, मैं कैनिड रेज़र की भी वीडियो बना दूंगा। ये इस तरह की होती है, ये रेज़र क्ले की तरह होती है, इसे हम किसी भी शेप में करके पतली जगहों पे मिटा सकते हैं। जैसे कि आप देखो, मैं इसकी नोक बढ़ा देता हूँ और मैं अब इसे मिटा दूंगा किसी भी जगह से। तो इसके लिए कैनिड रेज़र और टोंगोमोनो रेज़र दोनों ही ठीक रहती हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट बॉक्स में करने वाला हूँ डार्क स्मजिंग। फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें डार्क कर दिया है पेंसिल से। मैंने लाइट के लिए बी का इस्तेमाल किया है, अप्सरा वाली बी, और मैंने डार्क के लिए 2B का इस्तेमाल किया है। आप और भी पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 6B, HB6 और HB4, HB8, ये अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बार ब्लेंड करके दिखा देता हूँ उसे। ब्लेंड होने के बाद भी पहले जैसी थी वैसी ही है, क्योंकि ये जो डार्क कलर्स होते हैं ये पेज पे छप जाते हैं, इसमें ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता ब्लेंड करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट होने वाली है हैचिंग। हैचिंग सिंपल होती है, अलग अलग तरह की हैचिंग होती है, मैं आपको दो बताने वाला हूँ इस वीडियो में हैचिंग। एक तो है सिंपल हैचिंग और दूसरी होगी क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग मैं सिंपल हैचिंग के बाद आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हैचिंग। आपको एक ही डायरेक्शन चुननी है, चाहे वो यहाँ हो इस तरह करेंगे आप या फिर इस तरह। मैं इस तरह करूँगा, हमें इस तरह शेडिंग करनी होती है हैचिंग में। हमें पूरी जो हम बनाएं कुछ भी नोज़, आईज, अलग अलग चीज़ें होती हैं, फ्लावर्स, तो आप जो भी बनाओ वो ऐसे ही बनाओ, इसमें क्रॉस नहीं कर सकते आप, इसे इसी डायरेक्शन में लेके चलना होता है आपको, एक ही डायरेक्शन में। और नीचे से डार्क होता है वो एक साथ मिलकर, फिर लास्ट में वो नुकीला हो जाता है। और फ्रेंड, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जब भी शेडिंग करें तभी आप अपने जो पेंसिल है आप उसे शार्प रखो, जिससे जो आपका आपकी शेडिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ग्लोइंग लगे थोड़ी। तो फ्रेंड, मैंने इस साइड से किया, मैं इस साइड से भी आपको करके दिखा देता हूँ ऐसे। आप ऐसे दो साइड से करेंगे तो ये थोड़ा 3D लगेगा। और फ्रेंड्स, आपको इसी तरह इसी फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट में आपको लेके चलना है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस हैचिंग में वो आप कर सकते हो, पर इसमें सिंपल हैचिंग में आपको एक ही डायरेक्शन में ये सब लेके चलना होता है। तो मैं इसमें लाइट ही है, इसमें मैं डार्क करके दिखाता हूँ आपको। डार्क करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। फ्रेंड, मैंने एक साइड कर दिया, मैं दूसरी साइड करूँगा। फ्रेंड, ये जो हैचिंग है ये मेरी फेवरेट शेडिंग में से एक है, शेडिंग टेक्निक्स में से एक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्केचिंग स्टार्ट की थी, शेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैं डायरेक्ट पोर्ट्रेट तो बनाता नहीं था, मैं पहले पॉट, फ्लावर्स ये सभी बनाता था। तो उनमें सबसे पहले मैंने हैचिंग का इस्तेमाल किया था, तब तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितनी सारी बेसिक्स होती है, पर अब मैं पढ़ता भी हूँ थोड़ा, तो उन सबसे पता लिया, मेरी आर्ट टीचर मुझे बताती हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आएगी हमारी क्रॉस हैचिंग। तो जो क्रॉस हैचिंग है हम उसमें सिंपल हैचिंग ही करते हैं इस तरह, पर हम उसे थोड़ा लंबा ले लेते हैं, और जो हमारा वो है हम उसमें क्रॉस भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। क्रॉस हैचिंग बहुत सिंपल होती है, बस उसमें थोड़े से बदलाव होते हैं हैचिंग के से अलग थोड़े। तो फ्रेंड्स, अब हम क्रॉस हैचिंग में क्या करेंगे। क्रॉस हैचिंग में हम अपनी लाइंस को लंबा लंबा लेंगे, जैसे मैंने इसमें छोटी छोटी ली थी, हम इसमें लंबा लंबा लेंगे और हम इसमें थोड़े अलग अलग करके बनाएंगे। जैसे मैंने मिलाया था इसमें हम थोड़े अलग अलग करके बनाएंगे, जिससे हमारी जो लाइंस होंगी लास्ट में वो थोड़े बॉक्स करने के बाद दिखे अच्छे से। मैंने लाइन बना ली, अब मैं इसमें इसे स्क्वायर में करने वाला हूँ इस तरह, तो स्क्वायर में बन जाएगा। तो इसी तरह ही क्रॉस हैचिंग होती है, हम इसे इस क्रॉस में कर लेते हैं तो ये क्रॉस हैचिंग हो जाती है। और इसमें मैं आपको डार्क करके दिखाऊंगा, हम अपनी इन्हीं लाइंस को थोड़ा डार्क लेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको लाइट वाली नहीं दिख रही होगी, तो इसलिए मैं डार्क दिखा देता हूँ, डार्क शायद दिख रही होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सेम ही आपको प्रोसेस करना है,
सीधी करने के बाद आपको उसे क्रॉस कर देना है। तो ये क्रॉस हैचिंग सिंपल होती है, बस इसमें जैसे हमने इसमें सीधी की थी, इसमें हमने उसे क्रॉस कर दिया है, जिसमें बॉक्सेस बन गए हमारे छोटे छोटे। तो उसी से हमें पूरी शेडिंग, हम जो भी स्केच बनाए, नोज बनाए, आइज बनाए, उसी से हमें पूरा बनाना पड़ता है उसे। और नेक्स्ट आने वाला है, अब नेक्स्ट है अब हमारा स्क्रम्बल। फ्रेंड जो हमारी, अब ये जो स्क्रम्बल है, स्क्रम्बल में हम जो अपनी शेडिंग बनाते हैं, जो स्केच बनाते हैं, उसे हम सर्कल्स में बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल ओवल्स में बनाते हैं, इस तरह। इसी से ही हमारी अपनी पूरी ड्राइंग बननी होती है, हम छोटे छोटे करके बनाते हैं स्क्रम्बल में, जिससे जो हमारी ये जो ड्राइंग है थोड़ी सी अलग दिखती है। ये सबसे अलग हैं शेडिंग टेक्निक्स में से, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आपको शेडिंग टेक्निक्स बताई थी, उन सब में सेम ही प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि हमने लाइन से ही स्टार्ट किया था। इसमें हमें ओवल से बनाना है, इसमें भी लाइंस हुई थी, इसमें भी लाइंस हैं। वैसे तो ये डार्क ही है, इनमें भी हमने पहले लाइंस ही बनाई थी टोनल की तरह, और इनमें भी लाइंस बनाई थी, लेकिन हम इसमें ओवल बनाएंगे छोटे छोटे, जिससे हमें पूरी अपनी जो ड्राइंग है उसे भरना होता है, जिससे हमारा जो स्केच है थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने टोनल नहीं सीखा तो आप उसे ही सीखे, आपको इन स्मजिंग और अलग अलग हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रम्बल, अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स में पहले नहीं आना चाहिए एज अ बिगनर। और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें शेडिंग की, अगर आपको अच्छे से सीखनी है। आप लाइट से डार्क, प्रेशर कंट्रोल पर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उन सबकी दिक्कत यही होती है कि वो प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते। पेशेंस रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों की कमेंट होती है कि उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही, वो टाइम दे रहे हैं पूरा 6-7 घंटे लग रहे हैं, पर ये सही नहीं है। आप अगर आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बन रही, आप कुछ भी बनाए, अगर आपकी वो रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बन रही, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्राइंग को टाइम नहीं दे रहे हो। अच्छे से टाइम दोगे तो एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग बनेगी, और अगर टाइम नहीं दोगे, 2-3 मिनट में बना लोगे, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी। एज अ बिगनर मैं आपको बताता हूँ कि आप अच्छे से पहले अपने ड्राइंग को टाइम दो, उसके बाद ड्राइंग्स बनाओ। अब हमारी नेक्स्ट है स्टिप्पल। अब स्टिप्पल में हम क्या करते हैं, जो हमारी स्केच होता है, जो हम बनाते हैं फ्लावर पॉट कुछ भी वगैरह वगैरह, जो भी हम बनाएं उसे हम डॉट से बनाते हैं। हमें और कुछ लाइंस वाइंस कुछ नहीं बनानी होती, हमें डॉट से बनानी होती है शेडिंग पूरी। तो हम इसी तरह इसमें डार्क करेंगे थोड़ी, क्योंकि एक में मैं आपको हर किसी में एक में लाइट करके दिखा रहा हूँ, दूसरे में डार्क, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि अगर हमने इसे लाइट बनाया तो हम डार्क कैसे बनाएंगे। डार्क भी सिंपल होता है, बस वैसे ही बनाओ, पर आप पेंसिल का जो यूज़ करोगे वो अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने डार्क के लिए 2B यूज़ की, आप 10B यूज़ कर सकते हो, 8B यूज़ कर सकते हो, 9B यूज़ कर सकते हो, 6B, और भी अलग अलग रेंजेस होती हैं पेंसिल्स की ऊपर ऊपर तक। मैंने 2B यूज़ की है, आपके पास जो है आप उसे यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड हमारी स्टिप्पल भी हो चुकी है, मैंने इसमें लाइट बनाई है और इसमें डार्क। तो और फ्रेंड ये स्टिप्पल आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि ये जितनी भी अभी तक बनाई इसमें से बस 2 ही हमारी जो पॉपुलर हैं अलग अलग। ये तो है एक स्क्रम्बल, जिसमें हमने ओवल से बनाया था, बाकी सब में हमने लाइंस यूज़ की है, लेकिन इसमें स्टिप्पल में हमने डॉट्स यूज़ किए हैं। हम जो भी स्केच बनाएं, पॉट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसमें अगर आप स्टिप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आपको स्टिप्पल से ही बनानी होगी सारी ड्राइंग, कुछ आप अलग ऐड नहीं कर सकते हो वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ 6 शेडिंग टेक्निक्स। हमारी 6 बेसिक टेक्निक्स कंप्लीट हो चुकी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम हर टेक्निक से नोज बनाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय।